आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 दिसंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और याचिकाओं में निचली अदालत के फैसले के साथ ASI सर्वे की इजाजत को चुनौती दी गई थी। यूपी में आज से गेहूं की खरीद शुरू होगी। खरीद प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी और इस साल बटाईदार किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराते हुए बिक्री वो कर सकेंगे। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि किसानों को कोई परेशानी ना हो। सरकार ने इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपए क्विंटल तय किया है। गेहूं के मूल्य भुगतान PFMS के जरिए 48 घंटे के अंदर कर दिया जाएगा भुगतान, ताकि किसानों को जल्द से जल्द भुगतान हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो। वहीं ज्ञानवापी विवाद के बीच मुस्लिम महिला और पुरुषों ने काशी में बड़ा संदेश दिया है। 100 से ज्यादा संख्या में विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर जहां जलाभिषेक किया गया, वहीं ज्ञानवापी तल ग्रह का भी झांकी दर्शन किया गया। इस दौरान मुस्लिम नेताओं का मंदिर परिसर के चौक पर स्वागत भी किया गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जत्था विश्वनाथ मंदिर गेट पर 4 के पास पहुंचा और वहां से अंदर प्रवेश करते हुए सबसे पहले विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया। इसके बाद सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ज्ञानवापी तहखाना के पास जाकर वहां से झांकी दर्शन किया। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः